अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, इसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो के अंदर, मैं आप लोगों को अगेन प्रैक्टिकल से रिलेटेड मेरी 2-3 वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है। उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट आप सभी लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे उसके हवाले से मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। इंशाल्लाह उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की सारी परेशानी प्रैक्टिकल से रिलेटेड ख़त्म हो जाएगी। और उस वीडियो का जो लिंक है बच्चों, वो मैं इंशाल्लाह फर्स्ट कमेंट के अंदर इसी वीडियो के अंदर दे दूँगा। अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप वो वीडियो लाजमी देखना। आज का जो इस वीडियो के अंदर हमारा क्वेश्चन है, जो कि वहाँ अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया था, बाद में बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ये बताएं कि हम लोगों ने सुना है लास्ट टाइम नोटिफिकेशन भी सर हमने एक देखा था जिसमें ये बोला गया है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिलेंगे बल्कि उसमें आप लोगों के ग्रेड लगाए जाएंगे, सर हमारे जो मार्क्स हैं वो नहीं ऐड होंगे, क्या ऐसा कोई सीन है या नहीं है? तो बच्चों मेरी आज डीजी खान बोर्ड के अंदर बात हुई है, मैंने सर से कंफर्म किया, मैंने कहा सर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। तो सर ने कहा कि ये जो ग्रेड वाला सिस्टम था ये काफ़ी पहले हुआ करता था, इसको ख़त्म हो चुका है, अब ये बच्चों के जो मार्क्स हैं वो लगाए जाएंगे। जैसे सपोज करें केमिस्ट्री के अंदर जो आप लोगों के इंटर के मार्क्स होते हैं वो 30 होते हैं, बायो के 30 होते हैं, फिजिक्स के 30 होते हैं, तो वो मार्क्स जितने भी आप लोगे, और आप तो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारे जो मार्क्स हैं क्या वो पूरे भी मिल सकते हैं? तो बिल्कुल जी, आपको पूरे नंबर भी मिल सकते हैं और आप लोगों के बच्चों मार्क्स लगाए जाएंगे रिजल्ट कार्ड के अंदर, ना के ग्रेड लगाए जाएंगे प्रैक्टिकल के। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, दो में याद रखना। थैंक यू सो मच, अल्लाह।